हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ कुछ गेमिंग न्यूज़। तो दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेने से पहले क्यों ना आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा दें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। तो दोस्तों, यहाँ पे शुरू करते हैं हम सबसे पहले मोबाइल गेमिंग न्यूज से। तो दोस्तों, आप लोगों ने कुछ एक वीडियो देखी होगी GTA 4 के बारे में और कहा जा रहा है कि GTA 4 रिलीज होने वाला है और यहाँ पे आपको इस टाइप की कुछ वीडियो दिखाई जा रही है। तो वेल, ये वीडियो एक टाइप से फेक है। ये वीडियो बनाया एक फैन ने और इसके बारे में आप उसके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, जहाँ पे वीडियो अपलोडेड है उसके डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि एक कॉन्सेप्ट है। तो GTA 4 रिलीज वाली जितनी भी थ्योरी चल रही है इंटरनेट पे, आपको जहां कहीं भी देखने को मिल रहा है, वो सारा कुछ फेक है। तो GTA 4 अभी फिलहाल मोबाइल के लिए नहीं आने वाला। जिस दिन आएगा उस दिन रॉकस्टार ऑफिशियली अनाउंसमेंट करेगा और उसका एक गेम प्ले ट्रेलर वगैरह वो सारा कुछ भी आएगा। तो अगर आप ये सारी चीजें देख रहे हो तो फिलहाल के लिए तो अभी GTA 4 नहीं आ रहा और ये वीडियो जो है ये पूरी तरीके से फेक है। ये एक कॉन्सेप्ट है जो एक फैन ने बनाई है। तो दोस्तों, यहां पर नेक्स्ट न्यूज आ रही है आउटरस्ट गेम की तरफ से। तो आउटरस्ट एक नई गेम आई है, इस गेम का ट्रेलर आप ऑन स्क्रीन देख रहे हो। तो ये गेम एक स्पेस एडवेंचर गेम है और इसके ग्राफिक्स जो है वो ट्रॉन मूवी से काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं। तो अगर आप इस गेम को खेलना चाह रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है, वहां से जाकर के आप इसको डाउनलोड कर पाओगे। तो दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज निकल के आ रही है हिटमैन की तरफ से। तो हिटमैन स्नाइपर फिर से फ्री हो गया है। तो हिटमैन स्नाइपर एक पेड गेम है और ये गेम अभी फिलहाल 00 रुपीज का आपको गूगल प्ले स्टोर पे देखने को मिल जाएगा। तो जो लोग भी हिटमैन के फैन है, जाओ जाके डाउनलोड करो, गेम काफी अच्छा है और काफी टाइम से चला आ रहा है। दोस्तों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हमारी अगली न्यूज आ रही है WWE Immortal की तरफ से। तो WWE Immortals का गेम बंद होने वाला है, फरवरी में ये गेम बंद हो जाएगा, शटडाउन होने वाला है। तो आप इस गेम से कुछ खरीद वगैरह नहीं पाओगे और अभी से ही ये इस गेम को प्ले स्टोर से हटा दिया गया है और ये गेम ऑफिशियली फरवरी 28 को बंद हो जाएगा। और दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज आ रही है एक और गेम से, वो गेम भी बंद होने वाला है। उस गेम का नाम है मार्वल्स एवेंजर्स एकेडमी। मार्वल्स का एक गेम है जो टाइनी को की तरफ से आता है। तो ये गेम भी शटडाउन होने वाला है फरवरी में। तो काफी सारे गेम बंद होने वाले हैं, पता नहीं क्या हो गया सारे गेम्स को। तो दोस्तों, ये थी मोबाइल गेमिंग न्यूज। अब हम बात कर लेते हैं पीसी गेमिंग की। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले न्यूज़ आ रही है, वो आ रही है जैक ब्लैक की तरफ से। अब जैक ब्लैक के बारे में जिनको नहीं पता, मैं बता देता हूँ, हॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार है। इनको आपने कई मूवीज में देख रखा है, सबसे फेमस वाली का नाम मैं बता देता हूँ आपको, कुंफू पैंडा। तो इन्होंने अभी अपना एक गेमिंग चैनल लॉन्च किया है और वो गेमिंग चैनल ऑलरेडी 2 मिलियन सब्सक्राइबर के ऊपर पहुंच गया है। तो ये इनका एक ऑफिशियल गेमिंग चैनल है जैक ब्लैक का और इसमें इन्होंने स्ट्रीम करना है वीकली और वीडियो अपलोड वगैरह करना है, फूड रिलेटेड चीज़ें डालने वाले हैं। तो काफ़ी ऐसा कुछ इनकी प्लानिंग चल रही है और इनका कहना है कि इनका ये चैनल निंजा और प्यूडीपाई से काफ़ी बड़ा होने वाला है। तो दोस्तों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ आ रही है हेलो इन्फिनाइट की तरफ। तो हेलो इन्फिनाइट का जो गेम आने वाला है उसमें कहा जा रहा है कि 4-player स्प्लिट स्क्रीन होने वाला है। अब ये 4-player स्प्लिट स्क्रीन में क्या होने वाला है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो वेल, ये हेलो इन्फिनाइट गेम जब आएगा तभी पता चलेगा कि कैसा होने वाला है। बट आपने पहले भी देख रखा है स्प्लिट स्क्रीन वाले गेम और हेलो इन्फिनाइट में ये वाला फीचर आता है। तो आई थिंक कि कुछ नया होने वाला है हेलो के गेम में। तो दोस्तों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ आ रही है स्पाइडरमैन गेम की तरफ से। तो स्पाइडरमैन PS4 का गेम जो लॉन्च हुआ था उसमें ओरिजिनल स्पाइडरमैन का ड्रेस ऐड कर दिया गया है। आपको याद होगा सैम रेमी की मूवी जो ओरिजिनल स्पाइडरमैन 2002 में रिलीज हुई थी, उसके कैरेक्टर का सूट डाला है और ये DLC में मिला है इनको फ्री में, जो कि काफी ज्यादा आइकॉनिक सूट है। तो ये सूट काफी ज्यादा रिक्वेस्टेड था, हाईली रिक्वेस्टेड सूट था। तो डेवलपर ने वो चीज सुनी और फाइनली सैम रेमी का सूट इन्होंने प्रोवाइड कर दिया PS4 गेम में और काफी कमाल का दिख रहा है और काफी ज्यादा अच्छे ग्राफिक के साथ उसको दिया गया है। तो अगली न्यूज आ रही है एंथम गेम की तरफ से। तो एंथम गेम का जो डेमो आने वाला है उसके बारे में यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल निकल के आई है। पता चला है कि एंथम गेम का जो डेमो आने वाला है उसमें हमें पहले से लेवल मिलेगा 10 का और हम उस डेमो वाले वर्जन में अपने आप को अपग्रेड कर पाएंगे लेवल 15 तक, जिससे हमें ये पता चलेगा कि लेवल अप कैसे किया जाता है इस गेम के अंदर। तो ऐसा कुछ होने वाला है। तो गेम रिलीज होने वाला है फैब में और फैब में ही हमें इसका डेमो देखने को मिलने वाला है। आई थिंक 2 या 3 दिन तक इसका डेमो चलने वाला है, उसके बाद फिर हमको एक्चुअल गेम परचेस करना पड़ेगा। तो दोस्तों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज आ रही है विचर 3 की तरफ से। कहा जा रहा है कि विचर 3 आने वाला है निंटेंडो स्विच पे। तो विचर 3 आप सब जानते हो कि कितना बड़ा हिट गेम है, PC और कंसोल्स पे तो ऑलरेडी है ही है और अब निंटेंडो स्विच पे भी आने के इसके रूमर्स चल रहे हैं। फिलहाल अभी रूमर्स है, देखते हैं कि ये गेम कब तक आता है। अगर ये आ जाता है तो निंटेंडो को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। दोस्तों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो अगली न्यूज आ रही है मॉन्स्टर वर्ल्ड की तरफ से। तो असैसिन्स क्रीड का क्रॉसओवर काफी ज्यादा हो रहा है, काफी गेम्स के साथ हो रहा है। मॉन्स्टर हंटर के साथ असैसिन्स क्रीड का क्रॉसओवर इवेंट हुआ है और साथ ही साथ फॉरनर और असैसिन्स क्रीड का भी क्रॉसओवर इवेंट हुआ था पिछले कुछ दिनों में। तो यहाँ पे 2 गेम्स के साथ असैसिन्स क्रीड का काफी ज्यादा क्रॉसओवर हो रहा है और आने वाले टाइम में और भी गेमों के साथ मेरे ख्याल से होने वाला है इनका। तो ये दोस्तों कुछ न्यूज थी। आई होप आपको आज की न्यूज पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।